हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पतले बालों में बहुत ही सुंदर सा बन हेयर स्टाइल, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही शादी और पार्टी में भी आप बना सकते हो, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना थोड़ा सा हेयर, जैसे कि आप हेयर ले रहे हो यहाँ से, इस तरीके से आपको यहाँ से इस तरीके से हेयर लेना है और इसमें एक रबड़ लगा लेना है। बहुत ही आसानी से बहुत ही सुंदर सा ये बन बना लेंगे। और हाँ, ये जो रबर बैंड लगाते हो ना, थोड़ा लूज रखिएगा क्योंकि ओपन करते टाइम बाल बहुत टूट सकते हैं इससे। इस तरीके से अंदर की तरफ से फिंगर इंसर्ट करना है और इसको खींच देना है। ओके, इस तरीके से फिर सेकेंड लेयर आपको लेना है इसी तरीके से, जस्ट इस रबड़ के ऊपर। ओके, यहाँ पे भी आपको लगाना है एक रबड़। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको इस तरीके से अंदर की तरफ पिन करना है और खींच देना है और टाइट कर लेना है। ओके, फिर से लेयर लेना है। और फिर से आपको एक रबड़ लगाना है। आप चाहो तो अपने जो आप लेयर उठा रहे हो तो कम कर सकते हो ताकि लुक अच्छा आए। और यहाँ पे भी एक रबड़ लगाना, उसको भी सिंपली अंदर की तरफ से बाहर की तरफ खींच देना है और टाइट कर देना है। ओके, इसी तरीके से सारे लेयर्स लेते जाने हैं और ऊपर की तरफ रख के रबड़ लगा देना है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही रबड़ लगाते जाना है और आपका हेयर स्टाइल एंड भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से मेरी स्कैल्प दिख रही थी, इसके लिए मैंने इस तरीके से कर लिया। हल्के पतले बालों में ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत ही हल्के बाल हैं तो भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। ओके, यहाँ पे भी एक रबड़ लगाना है। सारे रबड़ कोशिश कीजिए कि सारे रबड़ आपके सेम कलर के हो, ताकि आपका हेयर स्टाइल थोड़ा भी और ना दिखे। मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं है, मेरे बालों का टेक्सचर ही अच्छा है, वॉल्यूम दिखता है, और सारे बालों में सेम से एक और रबड़ लगाना है। काम कर लीजिएगा। उसके बाद से ये बनाने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अब जो आपने पोनी बनाई है, जस्ट इसके थोड़ा सा हेयर छोटे आप देख सकते हो, काफ़ी पतले बाल है मेरे भी, बट बालों का टेक्सचर ही ऐसा है, फूला फूला सा दिखता है, बहुत वॉल्यूम दिखता है मेरे बालों में। इस तरीके से कर लेना है सारे बाल हेयर को, जो आपने बनाया है इसके अंदर इंसर्ट करना है और रबर बैंड को गलत कर लेके जाना है। और यहाँ पे आप क्लिपिंग से इसको सेट कर दें, रबर बैंड हाई हो जाना चाहिए, रबर बैंड लेने से यहाँ पे रात को लगाना है। हेयर स्टाइल जो है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहे।
है ये वाले, ये लगा सकते हो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पतले बालों में आप ये वाला हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा, पार्टी में शादी में आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ये अपना ख्याल रखिए।